क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्विटेंगल सच दैट कास ए कास बी देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स को क्या पूछ रहा है उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। टू ट्राइंगल बना लेंगे, उसको नेम देंगे क्यू ए पी एंड दूसरा जो ट्राइंगल डी बी सी कास ए इज इक्वल टू कास बी, कास ए इज इक्वल टू कास बी इन टू ट्राइंगल क्यू ए बी एंड डी बी सी। तो कास ए इज इक्वल टू होगा पी ए अपान क्यू ए और कास बी इज इक्वल टू बी सी अपान बी डी होगा। इस तरह से बच्चों हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी फाइंड करेंगे। एंगल ए बी इक्वल टू फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हमको करना क्या है कि पी ए अपान क्यू ए, पी ए अपान क्यू ए इज इक्वल टू बी सी अपान बी डी, ये होगा एंगल ए इज इक्वल टू जो कास ए और कास बी की वैल्यू हम वहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ कास ए इज इक्वल टू कास बी, तो पी ए अपान क्यू ए और बी सी अपान बी डी। अब इसी को हम दो सिमिलरिटी ट्राइंगल है तो उसके जो साइड जो होगी करिस्पॉन्डिंग साइड पी ए एंड बी सी, तो पी ए अपान बी सी इज इक्वल टू क्यू ए अपान बी डी इज इक्वल टू के। पी ए अपान बी सी इक्वल टू के के अपान वन, तो पी ए इज इक्वल टू के बी सी। और इसी तरह से बच्चों क्यू ए अपान बी डी इज इक्वल टू के, तो इस तरह से क्यू ए इज इक्वल टू के बी डी। अब हम दो साइड, तो हम कास ए के लिए तो पी ए अपान क्यू बी, लेकिन इसके जो साइड मैंने कास ए के लिए नहीं लिया है, जो साइड हमने नहीं लिया है वो साइड को दोनों में दो साइड्स को छोड़ देंगे और उसके बाद से थर्ड साइड पी क्यू अपान सी डी, ये पी क्यू अपान सी डी लेंगे और इसका पाइथागोरस प्रमेय से क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, अब क्यू पी इज इक्वल टू क्यू ए माइनस पी ए स्क्वायर अंडर रूट में करेंगे बच्चों, क्योंकि पी क्यू पी स्क्वायर करेंगे तब लिखेंगे क्यू ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर, लेकिन जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हम इसका अंडर रूट में लिखेंगे। तो सी डी इज इक्वल टू, सी डी इज इक्वल टू यहाँ से इन ट्राइंगल सी डी इज इक्वल टू होगा, सी डी इज इक्वल टू होगा बी डी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों अब यहाँ पे हमको मालूम है कि क्यू ए इज इक्वल टू के बी डी और पी ए इज इक्वल टू के बी सी। अब इसमें हम इसका मान इसमें हम राइट कर देंगे, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब इसमें बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर और इस तरह से के इसमें अंडर रूट के स्क्वायर है तो के कॉमन लेंगे, तो के कॉमन लेंगे तो बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे बी डी स्क्वायर अंडर रूट में बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर है ही है, तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा के हो जाएगा। इस तरह से क्यू ए क्यू पी अपान सी डी इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो दो हम इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू बाई यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट। इस तरह से
हम दो इक्वेशन क्वेश्चन करेंगे तो उसके दोनों सभी जो रेशियो होगा करिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, तो इस तरह से पी ए अपान बी सी इक्वेशन नंबर वन और टू से, तो पी ए अपान बी सी इज इक्वल टू क्यू ए अपान बी डी इक्वल टू क्यू पी अपान सी डी इज इक्वल टू के। तो इस तरह से ये दोनों सिमिलरिटी ट्राई एंगल होगा और इस तरह से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमारा प्रूफ होगा, क्योंकि दोनों का सेम रेशियो इक्वल आ रहा है, तो रेशियो इक्वल आ रहा है कि इसके लिए भी के आ रहा है, इसके लिए भी तीनों साइड जो होगा तीनों करिस्पॉन्डिंग साइड सभी इक्वल आ रहा है इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू। तो इस तरह से बच्चों यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब यह क्वेश्चन यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आपको इस क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।